साल 2023 में अपने करियर की तीन बड़ी फिल्में देने के बाद शाहरुख खान अगली पारी के लिए तैयार है। उनकी अगली फिल्म सुजॉय घोष के साथ होने वाली है, जिसका नाम होगा किंग। खास बात यह है कि इस पिक्चर से शाहरुख की बेटी सुहाना खान अपना बड़े स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही है। ताज़ा जानकारी ये है कि फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शूट किया जाएगा। किंग की कहानी गैंगस्टर ड्रामा के बैकड्रॉप पर होगी, जिसमें सुहाना खान शाहरुख की शागिर्द बनेंगी। शाहरुख उन्हें फाइट और एक्शन के दांव पेच सिखाते नजर आएंगे। स्टोरी लाइन के मुताबिक फिल्म में कई हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होंगे। मेकर्स इस फिल्म में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाह रहे। पठान वाले सिद्धार्थ आनंद फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म के एक्शन सीन्स का लेवल अपने आप हाई हो जाता है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक किंग के कुछ मेजर हिस्सों की शूटिंग बुडापेस्ट में होगी। हालांकि पहले तय किया गया था कि इसे यूके में शूट किया जाएगा, मगर बाद में इसमें बदलाव किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स का मानना है कि वास्तुकला और विरासत के नज़रिए से बुडापेस्ट यूके से कई ज़्यादा रिच है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें फिल्म के इंटेंस स्टोरी लाइन के बैकड्रॉप पर अच्छी लगेंगी। बुडापेस्ट को ईस्ट का पेरिस कहा जाता है। ये यूरोप का बेहद पॉपुलर शहर है, जहाँ हर साल करीब 12 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इससे पहले भी हम दिल दे चुके सनम, राबता और जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। अब देखना होगा किंग के मेकर्स इस जगह को पर्दे पर कैसे उतारते हैं। किंग की शूटिंग पहले अप्रैल में शुरू की जानी थी, मगर ये दिन ब दिन टलती जा रही है। अब रिपोर्ट्स हैं कि किंग की शूटिंग सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होगी। हालांकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए द ललन टॉप इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। किंग एक मेगा बजट एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसमें शाहरुख, सुहाना के साथ अभिषेक बच्चन और अभय वर्मा भी नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि किंग के लिए शाहरुख का लुक टेस्ट शुरू हो गया। लुक टेस्ट मतलब फिल्म में उनके कैरेक्टर को देखते हुए उनका गेटअप, उनके कॉस्ट्यूम और उनके हेयर स्टाइल कैसे होंगे, ये तय किया जा रहा है। किसी भी फिल्म के बनने में जिस तरह स्टोरी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले ज़रूर होता है, उतना ही अहम ये लुक टेस्ट भी होता है। इससे किरदार की एक पर्सनैलिटी बनती है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के गानों को अनिरुद्ध रविचंद्र ने बनाया था। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की सफलता को देखने के बाद एक बार फिर मेकर्स अनिरुद्ध के साथ काम करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग का म्यूजिक भी अनिरुद्ध रविचंद्र देंगे। जल्द ही इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रेड ऑफ सिनेमा। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोवा की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा को पावर्ड बाय USV योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।